28 आपको टेम्परेचर सेट करके उसको ऑन करके छोड़ देना है, एक से दो दिन के अंदर आपको या फिर तीन दिन के अंदर आपका व्हाइट स्पॉट गायब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज हमें परिफिश एक्वेरियम में और हमारे साथ में है आरी भाई, और आज का जो सब्जेक्ट है हमारा बहुत ही बढ़िया सा सब्जेक्ट है। अभी विंटर आ चुका है तो विंटर में हमें बहुत ही कॉमन एक जो डिसीज है वो देखने मिलता है व्हाइट स्पॉट का फिश के ऊपर में, तो उससे कैसे हमें फाइट करना है, कैसे उसको क्योर करना है, इसके बारे में आरिफ भाई उसको फोकस करेंगे। तो आरिफ भाई, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, काफ़ी लोग मेरे भी कस्टमर्स हैं, मेरे भी जो शॉप पे आते हैं, जो मुझे चाहते हैं, मेरे से जो मिलने आते हैं। यहाँ पे मुंबई के अंदर मेरा कुर्ला एक्वेरियम में शॉप है, यहाँ पे कुर्ला में परी एक्वेरियम, तो लोग सबको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। कॉल भी दिन भर आ रहे हैं मुझे कि आरिफ भाई व्हाइट स्पॉट हुआ, ये हुआ, वो व्हाइट स्पॉट सादा करके मुझे कॉल आए हैं। ज़्यादा करके प्रॉब्लम मुंबई के बाहर है, महाराष्ट्र के बाहर ज़्यादा ठंडी वहीं पे, जैसे कि मुंबई के बाहर में, पुणे में, नासिक में, हम लोग के महाराष्ट्र में भी ठंडी ज़्यादा है, और उसके अलावा दिल्ली साइड में, अगर साइड में स्टेट में ज़्यादा ठंडी है, तो प्रॉब्लम आ रहा है व्हाइट स्पॉट का। मच्छी है ना, जब व्हाइट स्पॉट लगता है तो मच्छी मूविंग करना बंद कर देती है। एग्जाम्पल, वो एक नीचे बैठ जाएगी या फिर ऊपर लटकी रहेगी या कोने में चली जाएगी। व्हाइट स्पॉट लगने के बाद मच्छी थोड़ी सी वीक हो जाती है, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, और व्हाइट स्पॉट एक ऐसी बीमारी है कि मच्छी को खाने लगती है ऊपर डॉट, और वो मच्छी मर जाती है, वो रुकेगी नहीं। अगर आप उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बचना नहीं उसका, ज़रूरी नहीं मर जाएगी वो, जब तक उसका इलाज नहीं करेंगे तब तक आपको उसका इलाज कंपलसरी आपको करना है। आपको दिख गया, एग्जांपल ये वीडियो है, वीडियो के ऊपर आपको लगा रहेगा उसके बॉडी के फिन के ऊपर। एग्जांपल ये दिख रहा है, अभी तो मेरे क्लियर है, मेरे इसमें नहीं है, तो ये क्लियर है। ओके, तो इसके बॉडी के ऊपर डॉट के ऊपर आपको दिखेगा, इसके फेस के ऊपर डॉट 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 वाइट कलर का आपको दिखेगा। एग्जांपल कोई भी मच्छी लो, ज्यादा करके आने का बता देता हूँ, वीडियो को आएगा, गोल्डफिश को आएगा, गोल्डफिश में भी आएगा, शार्क में आएगा, ऑस्कर में, फ्लोरॉन में, हर मच्छी में दिखेगा। पैरोट पे उतना ज्यादा नहीं देखने मिलता है, बट ऑस्कर में आपको देखने मिलेगा। और आरी भाई, कौन से फिश है जो कि ज्यादा सर देखने मिलता है अपने को? व्हाइट स्पॉट जो ऐसी बीमारी है कि हर मच्छी में आ जाती है। एग्जांपल आपसे लगता है ज्यादा करके आपको डार्क मच्छी में ज्यादा दिखने के लिए मिलेगा जल्दी, और जो लाइट कलर की मच्छी उसमें कम दिखता है वो व्हाइट स्पॉट। आरी भाई, ये अपना जो शार्क फिश है इसके ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा हमें देखने को मिलता है वो, है ना, ब्लैक कलर सा भी ठंडा हो जाता है, डार्क से उस पे आ जाता है। जैसे ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले पे तो जल्दी दिख जाता है। ब्लैक कलर का मच्छी आप कोई भी लेगे ना, आपको व्हाइट स्पॉट तुरंत दिखने लगेगा। डार्क कलर में लेगे तो आपको फटाक से दिखने लगेगा व्हाइट स्पॉट, और दूसरी मच्छी में दिखता नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि भाई उसके बॉडी पे या फेस के ऊपर या टेल के ऊपर, ज्यादा करके टेल के ऊपर देखेंगे तो छोटा छोटा बारीक बारीक सा डॉट रहता है, तो वो एक बीमारी है, उसको बोलते ईच बोलते हैं उसको, और उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। वो भी एक बैक्टीरिया ट्राई करना है सबसे पहला। ये देखो, ये हीटर कोई भी कंपनी का हीटर लो, जरूरी नहीं कि मैं प्रचार वचार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी का हीटर ले लो, टैंक साइज आपका, टैंक साइज ऑटोमेटिक हीटर लो, कोई भी कंपनी का, अच्छे से अच्छा लो, सस्ते सस्ता लो, काम तो वही करेगा, पानी गर्म करेगा, डिपेंड आपकी कितनी कैपेसिटी है। आप दूसरा सेकेंड में आपको लिक्विड लेना है, ब्लू वाला मैथिलीन ब्लू लेना है, मैथिलीन ब्लू सस्ता सा लिक्विड है, जैसा डिपेंड 20-30 रुपए के रेंज में आपको ये मिल जाता है। अगर आपको नहीं मिला तो फिर ये लिक्विड है रिडॉल एंटीच, ये भी यूज करो, या फिर व्हाइट स्पॉट का एक आता है एक्सो का, वो भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी लिक्विड और हीटर, दो चीज आपको कंपलसरी है, ये दो चीज आपको दुकान से बाय करना है, क्योंकि इसके अलावा आपको नमक चाहिए, जाड़ा नमक, जाड़ा नमक जो आपको किराने की दुकान में मिल जाता है, जो नॉर्मल खड़ा नमक होता है ना, जो विदाउट आयोडीन का मिलता है, जो किलो पे मिलता है, वो वाला आपको जाड़ा नमक आपको वो लेना है। ओके, वो नमक आपको क्या करना है, आपका मच्छी आपको लगा व्हाइट स्पॉट हो गया मच्छी को, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जांपल आपको पानी चेंज करना है सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल पानी चेंज करना है, है ना, उसके बाद आपको 50% पानी भरना है, आधा पानी इसके अंदर जो स्पॉन्ज फिल्टर लगा रहेगा। एग्जांपल आपने स्पॉन्ज फिल्टर लगाया तो आपको स्पॉन्ज निकाल के रखना है, है ना, नहीं तो ओनली फॉर एयर, ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड मांगता है। आप लिक्विड डालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है पानी के अंदर से, तो आपको ऑक्सीजन चालू रखना है, ये कंपलसरी। अगर आपने पावर फिल्टर, इंटरनल फिल्टर यूज कर रहे हो तो इंटरनल फिल्टर आपको बंद करना है, है ना, नहीं तो फिर उसके अंदर आपका ऑक्सीजन नहीं लगा है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर का स्पंज निकाल लेना है, है ना, फिल्टर चलेगा, निर्मल फिल्टर चलना है। टॉपअप में भी अगर आप टॉपअप यूज कर रहे हो या वाटर टैंक यूज कर रहे हो तो आपको स्पंज निकालना है। क्या होता है कि स्पंज अगर लगा रहेगा तो जो दवाई आपने डाला है, मेडिसिन जो डाला है, वो अब्सॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा वो, है ना, तो आपको उसको निकाल लेना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये 50% पानी में आपको स्पंज निकाल दिए, उसके बाद आपको लिक्विड ऐड करना है, लिक्विड आपका टैंक अगर ब्लू लिक्विड मैथिलीन ब्लू, उस आपको क्या करना है, ये टैंक है, टैंक के अंदर आपको क्या करना है, पानी डार्क करना है, डार्क ब्लू, डार्क ब्लू करना है, थोड़ा डार्क बनाना है, है ना। उसके अलावा आपको जाड़ा नमक लेना है, जाड़ा नमक आप इसके अंदर, अगर आपका 1.5 फीट का टैंक है तो आप इसके अंदर एक
चाय का जो कप रहता है ना उसका आधा चाय का कप डालो, या फिर आप उसको 3 चम्मच नमक डाल दो छोटे वाला। आपको नमक डालना है इसके अंदर, हीटर चालू करके 28 का टेम्परेचर आपको रखना है, 28 का टेम्परेचर सेट करना है, 28 आपको टेम्परेचर सेट करके उसको ऑन करके छोड़ देना है। okay. 1 से 2 दिन के अंदर आपको या फिर 3 दिन के अंदर आपका व्हाइट स्पॉट गायब हो जाएगा। ओके और आपकी मच्छी बच जाएगी। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। आपको दूसरा एक और उपाय बताता हूँ अभी मेरे जहन में आया, एक सेकेंड उपाय। आपको सॉल्ट जो होता है नमक, ये जो नमक है ना ये वाला ज्यादा नमक, हाँ ये ज्यादा नमक, ये विदाउट आयोडीन का आता है। आप किराने की दुकान पे जाएंगे ना तो आपको ये मिल जाता है किलो के हिसाब से, ये वाला नमक ज्यादा नमक, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये जो नमक की खेती में जो मिलता है ना वाला नमक है, ये जाड़े वाला, इसके अंदर आयोडीन नहीं रहता है और कोई केमिकल ऐड नहीं होता है तो मच्छी के लिए प्रॉब्लम नहीं करता है। तो आपको ये नमक क्या करना है, आपको एक टफ लेना है, प्लास्टिक का टफ। ओके मैं वो भी बताता हूँ आपको। स्टार्ट आपके पास, आपको घर में से कोई भी टफ या कोई भी आपका बर्तन रहेगा जर्मन या किसी चीज़ का भी आपका जो रहेगा उसके अंदर आपको पानी लेना है। पानी कौन सा लेना है, नया पानी नहीं यूज़ करना आपको, आपके टैंक के अंदर का विदाउट क्लोरीन वाला पानी वो आपको यूज़ करना है, इसके अंदर लेना है। एग्जाम्पल आप टैंक से ले लिए, जब आपने पानी भर दिए 50% पानी भर दिए उसके अंदर से आप पानी इसमें ले लीजिए। इसके अंदर नमक डालिए, चाड़ा नमक, एक मुट्ठी आपको नमक डालना है। ओके एक मुट्ठी भर के नमक डालना है और आपकी जो मच्छी है ना आपको उठा के इसमें डालना है। ये नमक के पानी में, या फिर एग्जांपल आपको आप नेट से ले लीजिए मच्छी, नेट से, और इसको बोलते हैं नमक का बाद देना। ओके इसको नमक का बाद देना बोलते हैं। इससे भी आपका जो बैक्टीरियाज है ना जो आपके मच्छी को जलागा हुआ है व्हाइट स्पॉट, ये भी चला जाएगा, है ना। ये भी एक सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। ये आपको अगर आपका एकदम ज्यादा लगा हुआ है ना, एकदम ज्यादा व्हाइट स्पॉट लगा है, हाँ अब मोर्टेलिटी होने वाला है, मरने वाला है उसको बहुत ज्यादा है, और आपने केयर नहीं कि आपने देखा नहीं एंडिंग के मोमेंट में मरने की कगार पे, तो आप उसको ये बात दे दीजिए मच्छी को। ओके मच्छी का बात दी आपने, उसको वापिस से आपके टैंक में डाल दिए, ये पानी फेंक दिए उठा के। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटीबायोटिक यूज करना है। एंटीबायोटिक में आप टेट्रासाइक्लिन वगैरह यूज कर लीजिए। ओके नहीं तो फिर सेकंड में आपको फिर नहीं तो फिर ये आपके पास रहेगा येलो लिक्विड या फिर जनरल एड का आपको ये रहेगा एक्रिफ्लेविन लिक्विड रहेगा, आप ये यूज़ कर दीजिए। नहीं ये अगर ये नहीं रही आपके पास तो आपको क्या करना है, मेडिकल में जाना है, टेट्रासाइक्लिन भाई टेट्रासाइक्लिन देते मेडिकल में बोल दो, टेट्रासाइक्लिन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर दूसरा एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट आप उसके अंदर यूज़ करिए पानी के अंदर। आपको क्या करना है, ये 50% पानी के अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ, 100 लीटर के अंदर आपको 500 mg आपको डालना है कैप्सूल। ओके तो वो हिसाब से आपको ऐड करना है उसके अंदर। अगर आपके पास ज़्यादा पानी है, आप इतने से पानी में रखें तो आपको 4 कैप्सूल डालना है, मतलब एग्जांपल 1000 mg आपको डालना है। ओके इसके अंदर ये पानी में 50% पानी में आपको 1000 mg, मतलब एग्जांपल आप उसको 500-500 का 2 कैप्सूल डालो या 250-250 के 4 डाल दो, इसके अंदर आपको डालना है, हीटर ऑन करना है और छोड़ देना है। ये कंडीशन तब की आ रही भाई जब बहुत ही ज्यादा लग चुका है, आपने वो बात दे दिया, हाँ बात देने के बाद में आपने ये वाला ये ट्रीटमेंट देना है, ये आपने अभी जस्ट बताया ये वाला, उसको इसको बोलते नमक का बात देना, ओके सॉल्ट बात बोलते हैं इसको। ये एक्चुअल मेरे भी सीनियर लोग ने मुझे सिखाया, बट क्या है इसका भी टाइमिंग है, आप उसको डाल रहे हो ना नमक के पानी में तो आपको घड़ी का टाइम देखना है, घड़ी का टाइम मतलब एक मिनिमम एक मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकते आप उसको उसमें नमक के बाद। ओके ये आपकी है, आपका व्हाइट स्पॉट 1 से 2 दिन में गायब। ओके ये सेकंड है। अब थर्ड बताता हूँ, थर्ड वाला थोड़ा रिस्की है, थोड़ा हार्ड है, देख लेना। मेडिकल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है पीपी, उसका बात आपको इसी सेम तरीके से देना है जिस तरह से आपने नमक का बात दिया, लेकिन उसमें ड्यूरेशन और कम होना चाहिए, 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं कोई भी चीज़ को, वो भी बैक्टीरिया मारेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, बात देना है टफ के अंदर, सेम प्रोसेस, न्यू पानी पहले चेंज करना जरूरी है आपको टैंक का, वाटर चेंज मेडिसिन क्यों, इसका रीज़न आपको बताता मैं, अगर ये पानी का पानी चेंज नहीं करते हो ना आपका जो पानी है ना उसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया पड़ा रहेगा, वो फिर से लग सकता है। हाँ जब आप नया पानी चेंज करते हो इसको बात दिए वापस डाल दिए टैंक में, आपका नया पानी है, बैक्टीरिया गायब है उसके अंदर, एंटीबायोटिक्स दे दिए, हीटर ऑन कर दिए, बैक्टीरिया गायब हो जाएगा, मच्छी के ऊपर का बैक्टीरिया गायब हो जाएगा आपका व्हाइट स्पॉट के लिए। ओके पीपी का आपको 3 टाइप्स बता चुका हूँ, मैथिलीन ब्लू, सॉल्ट बाथ नमक का, सेकंड वाला पीपी का पोटेशियम का। ओके 3 बाथ देना है, बट ध्यान रखें टाइमिंग कम रहना चाहिए, टाइमिंग कम, ओके 1 से 2 मिनट बाद का टाइमिंग होना चाहिए। फ्रेंड्स प्लीज नोट कर लीजिए कि टाइमिंग जो है वो आपको 1 से 2 मिनट के ऊपर नहीं करना है, अदरवाइज आपकी फिश ऐसी मर जाएगी।
ध्यान अगर हमें पता चलता है कि जस्ट अभी विंटर लगा है तो फिश को जस्ट आना चालू हो चुका है, अभी एक दो व्हाइट स्पॉट उस पर दिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? व्हाइट स्पॉट जो अगर कम आ गया तो फिर आप मेथिलीन और हीटर का ही और नमक जो डालना है पानी के अंदर उतना ही आपको करना है। okay. और एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी ट्रीटमेंट कोई भी मच्छी का स्टार्ट होता है, एग्जांपल कोई भी मच्छी है बीमार हो गई, व्हाइट स्पॉट आ गया, फंगस हो गया, या फिर व्हाइट पूप कर रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम है उसको, या फिर बॉडी का प्रॉब्लम है, ये अगर प्रॉब्लम इशू स्टार्ट होता है तो आपको फीडिंग स्टॉप करना है। ओके, फीडिंग स्टॉप करना। हाँ, मेडिसिन के दौरान आपको फीडिंग स्टॉप करना है। ओके, है ना, मच्छी उस हाल में नहीं रहती कि खाना खा ले, खाना पड़ा रहेगा सड़ जाएगा, उसके वजह से भी फिश जा सकता है, उससे वजह से अमोनिया एसिड बन जाएगा, अमोनिया एसिड में फिर से उसकी लग जाएगी और मच्छी की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उतने टाइम तक आपको फीडिंग स्टॉप करना है, जब तक आपकी मच्छी पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाती है, है ना, तब तक उसका आपको, अगर आपको उस दरमियान अगर आपका एक दिन हो गया, स्टार्ट हो गया, 24 घंटा हो गया, 24 घंटे के बाद आपका थोड़ा सा रिकवर लग रहा है कि आप मेरी मच्छी वाई क्लियर हो चुकी, हल्की सी हो गई, एक दाना डाल के देखिए मच्छी खा रही तो इट्स ओके, खाना चालू करेंगे तो खिलाओ, नहीं खाना चालू छोड़ दो, ट्रीटमेंट कंटिन्यू चालू रखो। अभी 3 दिन का टाइम दिया हो, अगर ज़्यादा टाइम भी लग जाता है ट्रीटमेंट स्टार्ट रखो, है ना, 2-3 दिन आपको मच्छी बचाना है। इसके उसके पास जाके मत पूछो कि भाई ये बताओ मेरे मच्छी को ये हुआ, वो वाले को पूछो, ये वाले को पूछो, वो दुकान वाला बता, पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल है, शॉर्टकट तरीका, ये कोई नहीं बताएगा, मेरे को प्रोडक्ट नहीं बेचना है कोई, मैंने कोई दुकान नहीं खोल के रखा हो कि मेरे को ये बेचना वो बेचना, अरे भाई ये तो मैं एक सिखा रहा हूँ पब्लिक को, मतलब एक नॉलेज दे रहा हूँ, समझे, मुझे कोई धंधा नहीं करना है, मेरा ये प्रोडक्ट ये डालो, वो प्रोडक्ट है मेरा ये डालो, ये डालो, वो डालो, ये बेचो, वो मुझे नहीं करना है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यस आरिफ भाई, आप प्रोडक्ट नहीं बेचना चाह रहे, आपने पहले ही बता दिया, कोई भी यूज करो, हीटर कोई भी कंपनी का यूज करो, कहीं से भी लो, और ब्लू लिक्विड भी आपने बताया, कहीं से भी लो या कहीं से भी कोई भी कंपनी का बाय करो, लेकिन ये वाला एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपके जो व्हाइट स्पॉट आया फिश के ऊपर में वो आप उससे उसको बचा सकते हो। एक्चुअली क्या है मालूम, कि जो मैं बता चुका हूँ ना आप लोगों को, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि मैंने भी जो भी मेरे सीनियर हैं जो मुझे जितना सिखाए मुझे, हम लोग जब स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो उस टाइम पे हम लोग सब इसी से सही करते, आज भी इसी से सही करते हम लोग, मैथिलीन ब्लू से, नमक बात से, पोटेशियम से, हम लोग इसी से सही करते आज तक भी। okay. अब ये नहीं कि ये चीज़ ले लो 700, 800, 1000, 1500, ये चीज़ ले लो, वो चीज़ हमका डमका डाल दो, हम नहीं डालते कुछ भी, और जितने भी पौंड वाले हैं या फिर एचेरी वाले हैं नॉर्मल ट्रीटमेंट ही करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने जब डिस्कस के एचेरी चलाया तो उस टाइम पर मैं नॉर्मल ट्रीटमेंट ही किया, जितना भी मेडिसिन आप लोग को अभी तक बता चुका वीडियो के दरमियान, ये सब मैंने यूज़ किया। ओके, थैंक यू आरिफ भाई, बहुत ही प्यारा सा नॉलेज दिया आपने, और बहुत ही लोगों को भी थोड़ा सा मिसगाइड होने से बचाया कि बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट 700, 1000 रुपीज के आते हैं, फिश रहता है आपका 100 रुपीज का और प्रोडक्ट रहता है 1000 रुपीज का, तो यानी सिंपल मेथड से भी आप इसको बहुत ही इजीली फिश को आप क्योर कर सकते हो, ये बताया आपने, बहुत ही बढ़िया सा आरिफ भाई, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिए, भुला चुका माफ। यस आरिफ भाई, आपने पिछले वीडियो में बोला था कि व्हाइट स्पॉट के ऊपर में बनाएंगे और फाइनली आपने वीडियो बनाया, उसके लिए थैंक यू आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिए। बिल्कुल आरिफ भाई, आपका अच्छा हो, क्योंकि आप लोगों का अच्छा करते हैं, यही हमारी दुआ है, ये पब्लिक की दुआओं के लिए करता हूँ मैं, मुझे कुछ पैसा कमाना नहीं है, पब्लिक की दुआओं के लिए करता हूँ, इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। बिल्कुल आरिफ भाई, आप बिल्कुल कामयाब होंगे, ठीक है, दुआ में। ऊपर में जो सर्कल दिया है उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स।